Good morning, students. How are you? Fine. Okay, I am also fine. Let us start the EVS of the 5th standard. Chapter sources of water, we have completed the chapter, but question answers are remaining. That's why today we will complete the question answers. Take out your book, page number 90. Okay, this is the page number 90. Take out your books. Study the given picture and identify it. आपको ये पिक्चर दी हुई है, ये बताना है उसको पहचान के कि ये किसकी पिक्चर है. आंसर होगा आपका डी, स्टेप वेल. देखिए आपको स्टेप्स दिखाई दे रही है इसमें, दैट इज अ स्टेप वेल. नंबर टू, लिस्ट थ्री वेज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए आपको तीन तरीके कौन से हैं आपका. We dig wells, set up tube wells and hand pumps to draw underground water. यानी कि हम कुआ खोदते हैं, ट्यूब वेल को सेटअप करते हैं और उसके अलावा हैंड पम्प्स का इस्तेमाल करते हैं पानी खींचने के लिए. ठीक है बेटा, अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन. हाउ इज़ वाटर ड्रॉन आउट फ्रॉम अ वेल. एक कुएं से पानी कैसे खींचा जाता है. फॉर दिस आंसर, यानी कि आंसर नंबर थ्री, कम टू द पेज नंबर 85 पे आ जाइए आप. दिस इज़ द 85 पेज नंबर. यहाँ से आप देखिए गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर दिख रहा है आपको. वन टू थर्ड नंबर पे आइए. वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ अ पुले. यहाँ तक आपने लिखा. आफ्टर दैट ये डार्क लाइन छोड़ दीजिए और उसके नीचे आइए. अ बकेट इज टाइड एट द एंड ऑफ ए रॉप एंड द रॉप इज फिटेड इन द ग्रोव ऑफ द व्हील. As the rope is released, the bucket goes down into the well. When the bucket gets filled with water, it is taken out of the well by pulling the rope. आगे आपको, this is the answer number 3. Okay, question number 4 है, what is the difference between a well and a step well? एक कुएं में और एक बावड़ी में क्या अंतर होता है. वेल मीन्स कुआ और स्टेप वेल मीन्स बावड़ी. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस. देखिए वेल इज अ डीप होल इन द ग्राउंड. कुआ क्या है, एक जमीन के अंदर बहुत गहरा होल है. वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज इजीली अवेलेबल, जहाँ पर कि आपको अंडरग्राउंड वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है. लेकिन स्टेप वेल वाला जो कॉलम है उसमें क्या होगा. अ स्टेप वेल इज अ वेल दैट हैज स्टेप्स on all its sides so that people can reach the water. एक स्टेप वेल जो होता है वो एक कुआ है, लेकिन ये क्या होता है, स्क्वायर होता है और इसके अंदर चारों साइड के ऊपर एक सीढ़ियाँ लगी हुई होती है, स्टेप्स होती है ताकि लोग पानी तक आसानी से पहुँच सके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी बाई ड्रॉइंग लाइन्स. ये ड्रॉइंग लाइन्स वाला कब मत करिएगा. हम लोगों को क्या करना होता है, उसका राइट आंसर उसके सामने लिखना होता है. तो डैम्स, डैम्स का क्या आ जाएगा आपका, इधर आएगा आपका. फोर्थ पे आइए, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. आप सेकंड नंबर है प्याउस, व्हाट इज द प्याउस. फिफ्थ नंबर पे ये वाटर स्टैंड्स एट पब्लिक प्लेसेस. थर्ड है बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर क्या करता है. फर्स्ट नंबर पे है किल जम्स. डी है बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर और इसके लिए आ जाएगा आपका पॉन्ड. बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर नंबर टू पे देखिए पॉन्ड. नंबर आपका है ई, डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज. ई का आंसर क्या आ जाएगा, जो डिस्चार्ज होता है फैक्ट्री से. थर्ड नंबर पे आइए सीवेज. हो गया आपका. नाउ सिक्स क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर द पॉन्ड्स कनेक्टेड विथ अ कैनाल. तो पॉन्ड्स जो होते हैं वो कैनाल से क्यों कनेक्टेड होते हैं, उसके लिए अपन को चाहिए 86 पेज नंबर पे. हाँ देखिए आप इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, वाई आर द पॉन्ड्स है ना, तो द पॉन्ड्स उसके बाद आर लिखेंगे, ए आर ई. द पॉन्ड्स आर कनेक्टेड विथ ए कैनाल. उसके बाद आइए 86 पे.
यहाँ पे आ जाएगा कैनाल्स आर कनेक्टेड विद द, क्या पूछ रहा है ये, पॉन्ड्स आर कनेक्टेड विद द कैनाल। ओके, हम लोग ना बुक में से क्वेश्चन में से कुछ नहीं लिखेंगे, सॉरी बेटा। तो वाई आर द पॉन्ड्स कनेक्टेड विद द कैनाल, उसके 86 नंबर पे आ जाइए। तो यहाँ पे लिखिए इंटर कनेक्टेड द पॉन्ड्स टू वन अनदर कैनाल्स, इसके लिए जो आपका आंसर है बेटा, इसके अंदर मैं आपको लिख के भेज दूंगी, ठीक है। जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी तो इसका आंसर प्रॉपरली लिखूंगी, मुझे इसके अंदर इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजूंगी। 7th है, हाउ डज द वाटर इन अ पॉन्ड गेट पॉल्यूटेड, एक पॉन्ड का जो पानी होता है वो पॉल्यूट कैसे होता है, उसके लिए 89 नंबर पे आइए, यहाँ पे आइए 89 पे, बिल्कुल। हाउ डज द वाटर इन ए पॉन्ड गेट पॉल्यूटेड, वाटर इन अ पॉन्ड गेट पॉल्यूटेड ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्यों होता है ये। पहला नंबर बाथिंग ऑफ ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स इन द पॉन्ड, दूसरा है थ्रोइंग लिक्विड वाटर, मैं आपको मार्किंग करके बता देती हूँ। देखिए 7th क्वेश्चन है ना आपका, एक मिनट, हाँ दिस इज द 7th क्वेश्चन। हाँ, वाटर इन अ पॉन्ड गेट्स पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बाथिंग ऑफ ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स इन द पॉन्ड, थ्रोइंग लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द किचन एंड द टॉयलेट इन द पॉन्ड, थर्ड है डिस्चार्ज सीवेज ऑफ द फैक्ट्रीज इन द पॉन्ड। हो गया, तो ये आपको आंसर लिखना है 7th नंबर के क्वेश्चन का। 8th नंबर का क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड फ्रेम एनी 3 क्वेश्चंस टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, पिक्चर देख के आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डैम एंड नेम द डैम इन द गिवन पिक्चर, जो पिक्चर दी गई है उसके अंदर जो डैम दिया हुआ है उसको नाम को आइडेंटिफाई करना है उसको। दूसरा है व्हाट इज अ डैम, डैम क्या होता है। तीसरा है व्हाई आर प्लांट्स कंस्ट्रक्टेड, व्हाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड, हाउ आर दे यूजफुल, हो गया वो किस तरह से यूजफुल होते हैं। तो ये आपके पेज नंबर 91 का था, अब आ जाइए आप पेज नंबर 92 पे। ये देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द स्टेप्स ऑफ फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपको पिक्चर दी हुई है उसको देखिए और स्टेप्स लिखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। मैं आपको बता देती हूँ, द रेन वाटर फॉल्स स्टेप्स ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहला नंबर द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ टॉप ऑफ हाउस और बिल्डिंग इन इज ब्रॉट डाउन थ्रू वाटर पाइप्स, वो पानी का, बारिश का पानी जो छत के ऊपर गिरता है हमारा किसी मकान या बिल्डिंग से, वो क्या करता है वाटर के पाइप के द्वारा नीचे लाया जाता है। दूसरा है इट इज़ कलेक्टेड इन अ बिग अंडरग्राउंड टैंक, बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक बने हुए थे जहाँ से वो पाइप का पानी आता है और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड है इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग वाटर इन टैंक्स, पानी को टैंक में कलेक्ट करने के बजाय द रेन वाटर गोज डायरेक्टली इन टू ए पिट इन द ग्राउंड थ्रू द पाइप, पाइप के द्वारा रेन वाटर क्या करता है डीप गहरा अंदर जमीन में डाल दिया जाता है। दिस राइजेज अ लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, उसके कारण जमीन के अंदर जो पानी का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ओके, कम टू द 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द किंग इन द पास्ट कंस्ट्रक्ट स्टेप वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे स्टेप वेल्स यानी कि बावड़ियाँ बनाते थे। गिव एनी 3 रीजंस टू जस्टिफाई दिस, अब वो बावड़ियाँ क्यों बनाते थे, उसके 3 रीजन है। तो उसका पहला रीजन है द रीजंस आर 3 रीजंस आर एज इट सर्व्स एज द सोर्सेज ऑफ वाटर, नंबर 2 अ स्टेप वेल हैड स्टेप्स ऑन इट ऑल साइड्स सो दैट पीपल कुड रीच द वाटर इजीली, मतलब ये एक पानी का सोर्स था, उसके अलावा इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी चारों तरफ तो आसानी से लोग पानी लेने जा सकते थे। एंड नंबर 3 स्टेप वेल्स वॉज ऑल्सो ए प्लेस वेयर कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड रिलीजियस सेरेमनीज वर हेल्ड, मतलब वो जगह थी स्टेप वेल जहाँ पर कम्युनिटी एक्सेस समाज के जो काम होते हैं वो धर्म से संबंधित कई सारे जो सेलिब्रेशन होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज आपका चैप्टर जो चैप्टर नंबर 9 है सोर्सेज ऑफ वाटर वो सारा खत्म हो गया, नहीं अभी 1 क्वेश्चन वॉज ऑल्सो रिमेनिंग। द गवर्नमेंट इज कीन टू कंस्ट्रक्ट डैम्स ऑन रिवर, जो होते हैं नदियों के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है बांध बनाती है, वाई आर दीज एफर्ट्स नीड टू बी अप्रिशिएटेड, इनको हमें क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए। पेज नंबर 89 पे आइए,
डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। देखिए यहाँ पर है, ये डैम्स लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4th लाइन पे आ जाइए। तो डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स फॉर द फॉलोइंग रीजन, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल, लोगों को पानी मिल सके पीने का, टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप फील्ड इरीगेशन, यानी लोग अपने खेतों में इरीगेशन कर सके, सिंचाई कर सके, वाटर दे सके उनको। थर्ड है टू प्रिवेंट फ्लड इन द रिवर, नदियों के अंदर बाढ़ आ जाती है उसको रोकने के लिए डैम बहुत अच्छा तरीका है। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कलेक्टेड वाटर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये एक चार रीजंस बताए गए हैं जिसके कारण हम डैम जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इसकी मैं साथ में एक पीडीएफ दे रही हूँ, जहाँ मैंने मार्किंग करवा दी है वो आप उसमें मार्किंग से करिए, और जहाँ मुझे सही लगा वहाँ मैंने आपको आंसर्स लिख के भेजे। ओके, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।